देवास में जहां एक और कोरोना का कहर है और लोगों की आमदनी बिल्कुल घट गई है, ऊपर से बिजली कंपनी ने इतने बिल दे दिए हैं कि सभी जगह असंतुष्ट है। आप मेरे ये बगल में देख सकते हैं, ये जो लाइन लगी है, ये लाइन बिजली के बिल भरने के लिए नहीं है बल्कि बिजली के बिलों में करेक्शन कराने के लिए लगी हुई है। जिन लोगों के 100-150 यूनिट बनते थे उन्हें 12-12, 15-15 सौ रुपये और किन्हीं को 5-5 हज़ार रुपये की बिल दे दिए गए हैं। मैं आपको दिखा दूँगी जहाँ बिल भरे जाते हैं वो ये काउंटर है। इस काउंटर में इक्का दुक्का लोग आए हुए हैं जो बिल भर रहे हैं, लेकिन करेक्शन कराने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। और हमारे साथ में कुछ युवक आए हैं यहाँ के जिनके बिलों में बड़ी विसंगतियाँ हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी बताएं, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर, मेरा ये इंदिरा गृह ज्योति योजना का बिल है। ये ठंड के दिनों में मेरे 90 और 80 यूनिट बनते थे, अभी जब से लॉकडाउन गर्मी से चालू हुआ है तो घर पे बैठे हुए हैं हम, तो स्वाभाविक बात है कि मीटर की रीडिंग ज़्यादा आनी चाहिए, फिर भी इन लोगों ने 95 यूनिट से मुझे बिल दिया है। जो योजना में तो है, पर भविष्य में जब ये बिल आएगा, अनुमानित बिल है, इसमें कोई फोटो और इमेज नहीं है इससे पहले वाले, तो आपको ज्यादा उसका लगा तो इस अभी हम योजना में भर देंगे, अभी तो हम बेरोजगार है, फिर भी भरना ही पड़ेगा बिल, तो नहीं तो लाइट काट देंगे। पर भविष्य में जब ये बिल आएगा तो ये 200 जैसे अभी इन लोगों की रीडिंग थी, मतलब आगे भविष्य में ज्यादा बिल आ सकता है इसकी संभावना। ज्यादा बिल किनका आया था, आइए बताइए, कैमरा बताइए। ये 6,000 रुपये बिल है, 6,000 का अमाउंट दिख रहा है सेंटर में के लिए। कोई रीडिंग नहीं ली गई है, मन माफिक एवरेज रीडिंग 558 यूनिट का बिल दे दिया गया। ठीक है, अब इसका कैसे भरेंगे, एक तो घर में बैठे हैं। ये जो है देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो इनकी एवरेज यूनिट है वो 100-150 रुपये के आसपास, 244 रुपये के आसपास आती है, और उसके बाद ये जो है अनुमानित रीडिंग दी गई है 558, और उसके बाद में यहाँ पर जो बिल दे दिया गया है वो 4735 का बिल है। पिछला बकाया मिला करके ये सभी जो है यहाँ पर 6611 का बिल हो रहा है। हाल फिलहाल में लॉकडाउन की स्थिति है, लोगों की कमाई कुछ नहीं है, और उसमें बिल्कुल 3 महीने से घर और बता रहे हैं कि ये खाली मकान पड़ा हो। खाली वाला बताइए, खाली वाला मकान का है 1300 रुपये बिल, जिसमें कोई रीडिंग नहीं बनी उसकी, ये जीरो रीडिंग है। ये जो बिल है साल भर से ताला लगा है, एक साल से ताला लगा है, पानी पीने का गिलास भी नहीं है, लाइट तो दूर भैया, 0 यूनिट। लेकिन इनका भी 191 यूनिट का बिल बना करके 1375 रुपये का बिल दे दिया गया, तो जबरदस्त विसंगतियाँ हैं। और आधार क्या है इन बिलों को ज़्यादा देने का, वो आधार कोई नहीं समझ पा रहा है। अगर पिछले साल की रीडिंग को भी अगर ये आधार मानते हैं तो भी वो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए किसी के बिल ज़्यादा, किसी के बिल बहुत कम दे दिए गए हैं। और जिनके बिल कम दिए गए हैं उनको ये डर लग रहा है कि अगले महीने उनको ज़्यादा बिल भरना पड़ेगा और अधिकतम स्लैब वाली उसमें महंगी बिजली का दर देना पड़ेगा। हम बताइए भैया, 3 महीने से घर बैठे हैं, लोगों को 2 टाइम खाने की दिक्कत है, और ये इतने भारी भरकम बिल दे के क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ये विद्युत विभाग की मनमर्जी है या सरकार का प्रेशर है इस पर? क्या सरकार उन 35 विधायकों को जो रिटर्न ऑफ बेंगलोर है उन पे जो खर्चा हुआ वो जनता से वसूलना चाहती है? चलिए हम कुछ लोग क्या कहना चाहते हैं जो लाइन में लगे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बोलेंगे क्या क्या समस्या आ रही है आपको? ये रीडिंग तो इन्हें बता रहे, रीडिंग तो बता रही है, अभी मैंने रीडिंग निकाला है इसका, यह मैंने का रीडिंग है, यह अभी रीडिंग है मैंने अभी निकाला है। एक्चुअल रीडिंग इसमें कितना अंतर आ रहा है? रीडिंग है इसमें भैया 279 रीडिंग आ रहा है, ये तो गया महीने का है रीडिंग। अच्छा, ये तो अभी मेरा रीडिंग ज्यादा आया कि कम आया आपका? रीडिंग ज्यादा आ गया ना, पिछले महीने का मार्च में मेरे को 87 रुपीस आया, और इस बार 2200। तो इसको आप करेक्शन करवाने आए हैं? आपको क्या है ये सर? ये हमारा 195 रुपये का, 134 रुपये का बिल आता है हर बार, इससे आगे कभी नहीं आया, और आज 1051 रुपये का, मतलब 100-150 से बिल सीधा 1000। 100-150। आपकी क्या समस्या है? अपन करेक्शन कराना है, मतलब जमा कर दिया था बिल, उसमें वापस से लिखा हुआ आ गया, एंट्री है वापस आ गई है। आपके अंदर जी क्या प्रॉब्लम है? ये बिल ही नहीं आया इसका अभी तक। अच्छा, इस तरह का बिल ही नहीं आया, तो ये यहाँ पर आपकी क्या समस्या है? पिछले बार रीडिंग लेने नहीं आया तो इतना बिल कैसे दे दिया? नहीं, रीडिंग लेने नहीं आया, एवरेज बिल कितना दिया आपको? 2500। तीसरे महीने में दिया था कितना? 224 रुपये मात्र, मतलब 224 यानी 10 गुना बिल ज़्यादा आ रहा है। तो 10 गुना तक बिल ज़्यादा आ रहा है, 244 रुपये पिछले महीने बिल था, और बिना रीडिंग लिए एक अंदाजन रीडिंग डाल करके बिना कंफर्म किए 10 गुना तक बिल आ रहा है। और ये जो सारी भीड़ लग रही है ये इसी की भीड़ है, और ये सभी लोग यहाँ पे करेक्शन कराने के लगे हैं, ना कि बिल भरने के लिए लगे। क्या समस्या भैया आपकी? सर, मेरा पिछले महीने 15 यूनिट ही बिल आया था, मतलब जो लास्ट था मेरी दुकान का बिल है, और इस महीने सीधा उन्होंने 100 यूनिट का बिल दिया मुझे। अच्छा, कोई ऐसा है जिसका शॉप का बिल आया हो, ज़्यादा आया हो? आप ही का है?
बंद रही आपकी शॉप पूरे टाइम? 3 महीने बंद रही है। उसके बाद भी बिल आया? फरवरी 22 से बंद करी थी, उसके बाद किराए से रहता हूँ अलग, और ना तो मेरे घर में फ्रिज है ना ही LED, सिर्फ 2 पंखे और 2 वो चलते हैं। पिछले मैंने 670 का बिल इसमें आया था, अब डायरेक्ट 5.5, ये टोटल 6,000 का बिल है। मैं किराए से रहता हूँ, मेरी इतनी तनख्वाह भी नहीं कि मैं घर चलाऊं के बिल भरूं। मकान मालिक ने तो मुझको ये बिल ला के दे दिया, 640 बिल दे दिया जी। 640 का जो है खपत बताइए जी, जबकि आपकी एवरेज खपत जो है 170-150 के आसपास है जी। तो जिन लोगों की खपत मुश्किल से 150 के आसपास है यूनिट की, उनका 650 यूनिट मान करके 5,000 का बल टिका दिया, किराए से रहते हैं, कमाई खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बिल ये सर इतना ज़्यादा है। मार्च महीने की इस रीडिंग से लेके आज दिनांक तक मेरी 247 यूनिट जली है, मेरे को 510 यूनिट का बिल दिया है, और मेरी हर महीने एवरेज देखेंगे आप 200 यूनिट का एवरेज हो रहा है। 200 यूनिट का इनका एवरेज है और इनको 500 यूनिट का बिल दिया हुआ है। इन्होंने जब अपने मीटर की फ़ोटो खींची और उसमें जब बिल निकाला तो 200 यूनिट ज़्यादा का है एक्चुअल से ये बिल, और इस तरह से जो है इनकी स्लैब भी बढ़ गई, इनको बिजली की दर भी महंगी पड़ी और इनको बिल भी ज़्यादा आया। तो इस तरह से कुछ जनता ये परेशान है, कोरोना काल चल रहा है, कमाई खत्म हो चुकी है मध्यम वर्ग की, और उसके बाद इस तरह के इतने ज़्यादा बिल देने में लोगों के ऊपर बहुत विपत्ति आ रही है। इसमें विद्युत मंडल के अधिकारियों से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।